यदि दोस्तों आपने भी लगा रखे हैं इलायची के पौधे और उनकी ग्रोथ बहुत ही धीमी चल रही है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र लेकर आए हैं जिनसे इलायची का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और रहेगा हरा भरा घना। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, इंडिया ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं ये इलायची का पौधा है। इलायची का पौधा, इसकी ग्रोथ है जो कि बहुत ही धीमी चल रही है, पौधा पूरी तरह से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में सभी पौधे अपनी ग्रोथ को बहुत ही धीमी कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो फर्टिलाइज़र मैं लेकर आया हूँ उससे इलायची का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा और हरा भरा घना भी रहेगा। अब इस इलायची के पौधे की जो आप सॉइल मीडिया देख रहे हैं कुछ इस तरह की है। तो दोस्तों इलायची के पौधे में हमें ज़्यादा पानी की नमी नहीं रखनी चाहिए। यदि ज़्यादा पानी की नमी रखेंगे तो पौधे की जो रूट हैं यानी कि जड़ें वो गलने लगेंगी। तो ये हमें विशेष ध्यान देना है पौधे पर। धीरे धीरे सर्दियां ख़त्म होती जा रही हैं और पौधों में एक नई बहार आ रही है। दोस्तों जो फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस फर्टिलाइज़र से इलायची का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हमें समय पर इलायची के पौधे में फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता होती है, जो कि सर्दियों के मौसम में बेहद ज़रूरी है इलायची के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे की हमें गुड़ाई भी करनी है। तो गुड़ाई आप 10 से 15 दिन बाद इलायची के पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई दोस्तों हमें गहरी नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल गुड़ाई करनी है। मेरा इलायची का पौधा गमले में लगा हुआ है और इसकी मैंने 4 से 5 दिन पहले ही गुड़ाई की थी, तो इसलिए मैं इस पौधे की अभी गुड़ाई नहीं कर रहा हूँ। यदि आपने अपने पौधे की गुड़ाई नहीं की है तो आप गुड़ाई कर तभी पौधे में फर्टिलाइज़र डालें। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में जो इलायची के पौधे के लिए बेहद ज़रूरी हैं। यहाँ पर हमने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए दो चीज़ें ली हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं और ये आसानी से मिल भी जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो लिया है ये हमने सीवीड लिया हुआ है, जो कि समुद्र की तट की घास में से बनती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है और हमारे पौधे पर बहुत जल्दी काम भी करती है। तो दोस्तों हमारे सभी पौधों के लिए वैसे बेहद ज़रूरी है ये चीज़, हमें अपने सभी पौधों में इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों हमने केवल 1 ग्राम सीवीड लिया हुआ है। अब दूसरी चीज़ जो हम ले रहे हैं ये सरसों खली पाउडर है, जो कि सरसों की खली में से बनता है, जिसमें से ऑयल निकाल लिया जाता है। जो सरसों की खली बचती है उसे हम मस्टर्ड केक बोलते हैं। तो दोस्तों हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनाकर यहाँ पर तैयार करेंगे। इस 1 लीटर पानी में 2 से 3 चम्मच हम सरसों खली पाउडर डाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस सरसों खली पाउडर को इस डिब्बे के अंदर डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच, और इसे एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब सरसों खली पाउडर डाल लिया है। उसके बाद में हम अच्छी तरीके से इसे घोल लेंगे। घोलने के बाद में इसे हम अपने पौधे पर आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका है घर पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का। तो दोस्तों अब ये मैंने पूरी तरीके से ये घोल लिया है। घोलने के बाद में अब हम इलायची के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसे हम सीधा भी दे सकते थे, पर लेकिन सबसे बेहतर है कि आप घोल कर दें और पौधों में बहुत ही अच्छा अपडेट भी मिलता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं वो पौधे में हमें कितना देना है। यदि दोस्तों आपके पास एक पौधा है तो आप उसमें लगभग 200 ग्राम के करीब इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो आप उस अनुसार से पौधे में डालिए, ताकि पौधा भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। तो दोस्तों अब इस फर्टिलाइज़र को जल्दी से हम अपने पौधे में डाल लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी पौधे में यूज कर सकते हैं और इसे आप 3 महीने तक भी रख सकते हैं। 3 महीने तक इस फर्टिलाइज़र का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो दोस्तों इससे हमारा डबल फ़ायदा है कि फर्टिलाइज़र यदि ज़्यादा भी बन जाता है तो हमारे बाकी पौधों में भी इस फर्टिलाइज़र का हम यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को ये जानकारी प्रदान हो पाए। तो दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।